टीम इंडिया के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने कहा है कि वो भारतीय टीम में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जगह लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कुलदीप ने गुवाहाटी में होने वाले दूसरे T20 मैच से पहले मीडिया से बातचीत में कहा, मैं इतना आगे की नहीं सोचता। अश्विन और जडेजा दोनों ही तीनों फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, उनकी जगह लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अभी काफी युवा हैं और हमारे लिए अभी काफी क्रिकेट बाकी है, मैं अभी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कुलदीप मिस्ट्री मैन की तरह सामने आए, यहां तक कि एरन फिंच जैसे बल्लेबाज ने भी कहा कि वो कुलदीप की गेंदबाजी के आगे कुछ समझ नहीं पाए और आउट हो गए। इस बारे में इस युवा स्पिनर ने कहा कि मैं रहस्यमय गेंदबाज नहीं हूं जो अलग अलग हाथ से गेंदबाजी करे। 2-3 साल बाद फिर बल्लेबाजों के लिए आपको खेलना आसान हो जाता है, अगर आपके बेसिक सही हैं तो आपके लिए गेंदबाजी आसान होती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई वीडियो देखकर आपकी गेंदों को पढ़ने की कोशिश करता है, अगर आप सही दिशा में वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज परेशान होंगे, फिर चाहे उन्होंने कितनी ही वीडियो क्यों न देखी हो। उन्होंने कहा कि IPL में ऑस्ट्रेलिया के चाइनामैन गेंदबाज ब्रैड हॉक के साथ खेलकर उन्होंने काफी कुछ सीखा और अपने आदर्श शेन वॉर्न से भी लगातार संपर्क में है। कुलदीप ने कहा, अगर मैं शेन वॉर्न की उपलब्धियों का आधा भी हासिल कर पाया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। प्ले मीडिया रिपोर्ट।